दिल में है लेकिन अफसोस जो है वो आप बयान कर रहे हैं अपना दुख ये है मतलब सरकार तक। भाई हम इसकी नीति के खिलाफ है, जो बीजेपी की जो नीति है, जो नीति अब चल रही है हर दमन की नीति है। भाई रोजगार इसने खोज लिया, सब कुछ खोसा लगे। हाँ सड़क है, सड़क पर राम मंदिर भी तो बनवाया है क्या? राम मंदिर में यहाँ गांव के मंदिर में कौन जा बताओ कितने आ बे टेक कोई सा जाता हो दोनों टाइम। सही बात है, अब अच्छे लड़के हो देखनी चले। अरे तो गन्ना मंत्री आया था उसके सामने भी रखी थी ये भी ना। भाई रोजगार तो जाग तू गन्ना फैक्ट्री में हमारे रोजगार। तो ये सरकार को फिर भी सरकार बनाने की क्यों सोच रहे लोग? अरे हमारे सोचे तो क्या हो रही है, हम तो जिस दिन वोट बटन दबे उस दिन सोचेंगे के सोचना हमें। अच्छा रड़कनी है बस मैं इकड़ा को दे लू चाहू उसे दे लू प्रदीप को इकड़ा लावे सी प्रदीप वहां है गंगो के ताले हमने उसे करी कर दिया। पड़ोसी की आ रही नहीं पड़ेगी भाजपा भाजपा कह रहे बहुत बुरे किसान तो बहुत कट रहे थे हमारा कहां से है। एक बात है बता आपको सबको दे दिया ये राशन फ्री बांट रहा किसान इड्डे ठेका बांट देख रहा किसानों का कुछ कराया हो किसी का भी है पूरी सर्विस ले दी किसी की सर्विस है किसी लड़के को बताओ है के 15 लाख रुपए देने का वादा करा था 100 लाखों नौकरी देने का वादा करा था। हाँ मिल गए सबको मिल रहे जेब भर रहे और मुझे देख मुसलमान अच्छा, के गांव का मुसलमान देख मुसलमान तो जाके इसक्री करा गई जी बाकी जात भी गोलमोल है। अच्छा वो हमारे तरह नहीं उतरता अखिलेश। अच्छा ये तो खैर लड़की है बेचारी ये तो अच्छा इसका बाप ठीक था जहां तक हम देख रहे हैं हर बुजुर्ग आदमी तो जाति बताता है अपने मामला गोलमोल है कोई अपना भेद दे नहीं रहा। मैं अक्रम खान कैमरामैन इरफान कुरैशी विवाजित के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को वोट होना है प्रथम चरण के अंदर लोकसभा चुनाव का। दरअसल आपको बता दें आज मैं मौजूद हूं केरना लोकसभा के नगर पंचायत एल्लम के अंदर। आप देख सकते हैं पीछे सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नगर पंचायत एल्लम। आज मैं यहां पर मौजूद हूं, थोड़ा सा बोर्ड दिखाइए। सैनिक भवन कार्यालय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शामली कस्बा कांधला। तो यहाँ इसका गेट ही अभी बंद है, थोड़ा सा मैंने आपको ये दिखाया है। तो आज मैं एल्लम के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर ज्यादातर जाट समुदाय से लोग रहते हैं, जाट फैमिली से लोग रहते हैं। तो आज उनका क्या रुझान है इस इलेक्शन में, किसकी तरफ उनका वोट जाने वाला है, बीजेपी की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ? तो वही उसी मुद्दे पर ही आज हम बात करेंगे लोगों से, लोगों की राय जानेंगे। तो चलिए चलते हैं लोगों के बीच ही चलते हैं, थोड़े से लोग उधर बैठे हैं जरा उनसे बात करेंगे। बीच आए हैं इधर ये अंकल बैठे हैं जरा इनसे पूछते हैं क्या नाम है सर आपका? ओमवीर सिंह। क्या कहना चाहोगे सर लोकसभा चुनाव के रणनीति क्या लग रहा है इस बार किसका है मामला? बल लगने का तो बहाना नहीं, हमें भाजपा की देनी वोट, भाजपा को देनी वोट। क्या इस बार आरएलडी और भाजपा गठबंधन हुआ इस वजह से देनी है या पहले से ही भाजपा को देनी थी? नहीं हम तो पहले से ही भाजपा को दे रहे। अच्छा पहले से ही भाजपा को दे रही है। जयंत चौधरी जी के आने से कुछ फर्क पड़ा? हाँ वो भी फर्क पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है। तो इस बार प्रदीप चौधरी जी से जैसे लोगों की नाराजगी भी है थोड़ी बहुत, उससे कहीं ना कहीं चुनाव में फर्क पड़ेगा? नहीं चुनाव का तो बाहर नहीं फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम तो अपनी खेती करे भाई, हमें अपनी वोट देनी भाजपा को, बस इतना पता। और सर बात करने के लिए हम आते हैं जरा राहुल जी की तरफ। क्या नाम है सर? जयपाल सिंह। क्या कहना चाहोगे लोकसभा चुनाव के बारे में, क्या कहना चाहोगे, क्या है माहौल गाँव का चुनाव में? क्या बताऊं भैया, किसानों का कुछ कराया हो जी, किसी का भी है पूरी सर्विस ले दी, किसी की सर्विस है किसी लड़के को बताओ है के 15 लाख रुपए देने का वादा करा था, 100 लाखों नौकरी देने का वादा करा था। हाँ मिल गए सबको, मिल रहे जेब भर रहे और मुझे एक नौकरी दी अभी 4 साल की, अभी 4 साल की भैया कोई भी चीज है याद भी यही कट्ठे हम भी किसान है जी। दवा को पूछो के वाचर के चलिया, सब नकली चल रही, एक भी दवा एक गन्ने के दवा एक भी नकली बढ़िया दवा नहीं आई। और रफे चकमा किसान तो अंधाता है पूरे देश का, अन्न देता है ये तो नहीं कहते मित्र लोग, तो जोर से बड़ी बड़ी पूंजीपति वे कह के किसान हम तो पैसा लेकर अपना पैसे तो खा लगे कहते नहीं है। एक चीज तो है नहीं बाजार में जी, आपके पास लौटते चीज जरूर आ रही, बैंक आ रहे बेसुमार लोन दे रहे लोगों 50-50 हजार एक लाख बिरबानी जू लिया और ले लो बिरबानी बेसुमार सारे और कुछ नहीं है पैसा बैठ रहा यू ना जैसा गया ये का काटता था वो नहीं काटता भाई मजदूर नहीं रहा। जयंत चौधरी जी ने किसानों की तरफ से आवाज उठाती थी पार्टी है कैसी हमें आरएलडी लगती थी, अब वो भी बीजेपी में शुमार हो गया, आवाज कौन उठाएगा?
पर यह सच्चाई है जिब तक नाज फ्री कर भाई यहाँ तो मजदूर है नहीं देख भाई मजदूर आता ही नहीं अब काटने गया हूं। उसका मुंह काट है वो तो ले गए इंदर चावल इंदर ले तू और दीगा लोड़ा पीछे रेड़े वाला ले के ले चावल बेचो के अच्छा गद ले वो तो भाई ये तो कह रहे हैं कि हम तो फ्री नाच दे रहे इसीलिए लोग बोलते रहे फ्री नाच दे रहे बिल्कुल दे रहे उस फ्री तो आदत खराब होगी भाई खाने को तो मिल गया करना की जरूरत आ रही है तो आपके साथ मिलने वाले नहीं समस्या तो यार ही नहीं पार्टी तो कोई छोटी नहीं खान साहब मैं बतेरा तू बीच में लड़क नहीं है मैं इकड़ा को दे लू चाहे उसे दे लू प्रदीप इतना लावे सी प्रदीप वहां है गंगो के ताले हमने उसे कह दिया है पड़ोसी का पड़ोसी की आ रही दादा जी भाई पड़ोसी के नहीं पड़ेगी पड़ोसी की तो शुक्रिया नेता जी की तरफ से आना मैं सर आपका भूतपूर्व सैनिक जगपाल से क्या कहना चाहोगे सर क्या माहौल है लोकसभा चुनाव 2024 का वोट तो सबको मिलेंगे बीजेपी के 10 साल कैसे रहे किसानों के लिए बहुत ही अच्छे रहे बता रहे किसान परेशान है आपके अच्छे रहे हर आदमी के लिए हो सकता है अंतर हो सकता है हर आदमी के लिए हर आदमी को कुछ भी नहीं किया डाल दे भाई लाला हमारे बोलने हर आदमी को कुछ नहीं किया जा सकता हर एक में प्रभाव है हम पहले से बीजेपी में अब भी बीजेपी में ही है बीजेपी में रहने की वजह से है या बीजेपी को किस वजह से बीजेपी को पसंद करते हैं काम अच्छे ही हो रहे हैं ओवरऑल बड़े काम हाईवे बन रहे हैं सारे काम सर ने बताया नौकरी 4 साल की कर दी 4 साल भी जरूरी है यंग मैन को छितराने के लिए बहुत जरूरी है 4 साल हंगामा करता है धरती पे यंग मैन ज्यादा हो रहा हमारे यहाँ उसको आने से बीएसएफ सीआरपी रेलवे सब एडजस्ट होंगे वो 25 लाख रुपए मिलेंगे कुछ तो करेंगे हाँ जी तो आप चाहते हैं कि जवान लोग जाएं या कुछ जवान लोग जहाँ भी है जाए जहाँ कर्म हाथों से कर्म करें जहाँ भी है सेना है और कोई महकमा है सबके अंदर जाए वो हाँ उनको जागृत होने की जरूरत है सिर्फ जहाँ भी जागृत होगा वही उसका काम हो जाएगा अच्छा कुछ लोगों की नाराजगी जैसे हम अभी घूम रहे हैं लोगों में तो कुछ लोगों की नाराजगी है कहते हैं कि प्रदीप चौधरी जी ने सम्मान नहीं किया इस वजह से बीजेपी की यहाँ थोड़ी बहुत डामाडोल सी नजर आ रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है वोट तो मिलेंगे यहाँ हाँ उनके हिस्से की मिलेंगी जरूर मिलेंगी लेकिन सीट अप के वो वाली बात नहीं है जो 2019 में थे हाँ हो सकता है कुछ अंतर हो जाए प्रभावशाली है प्रभाव है हाँ ये एक्सप्रेस रोक दिया एक अंडरग्राउंड का भी है पानीपत का उसका मेरठ का भी चर्चा है रेलवे का नहीं वो आएंगे अपने टाइम में करेंगे वो महंगाई को भी तो देखना पड़ता है ना महंगाई तो पॉपुलेशन बढ़ेगी महंगाई तो होनी है उसे कौन रोक सकता है किसान अन्नदाता है उनके लिए कुछ अच्छी फसल के लिए कुछ दवाइयां नहीं है कुछ अच्छा सुविधा नहीं है सब महंगी तो है गन्ना हमारे महंगा है गन्ने में ज्यादा खाद बीज दवाई पड़ता है हाँ कुछ पैसे रह रहे हैं और फिर वहाँ जाम लगता है बराबर अभी बाहर तोल रहे हैं उनको सेंटर फिर भी आप तो बीजेपी की तरफ ही कह रहे हैं तो प्रॉब्लम तो कुछ हो ही जब तक होंगी प्रॉब्लम तो होगी चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अंकल की तरफ ही वापस लौट के आएंगे जरा सेंसिटिव बात कर ले क्या नाम है सर आपका राजकुमार है क्या कहना चाहोगे अंकल क्या माहौल है केरला लोकसभा का वो हमारे तरह नहीं उतरता अखिलेश अच्छा ये तो खैर लड़की है बेचारी ये तो अच्छा इसका बाप ठीक था जहाँ तक हम देख रहे हैं हर बुजुर्ग आदमी तो जाति निकालता है अपनी मामला बोर्ड में हो रहा है कोई अपना भेद दे नहीं रहा बढ़िया मतलब अंदाजा कहीं ना कहीं अंदर मन में कुछ ना कुछ है क्या करेगा मामला बोर्ड है बाकी सरकार तो मोदी की बननी जी जी ये तो स्मारक बननी अच्छा लेकिन यहाँ इस सीट पे कुछ भाई यहाँ इन दोनों की इतनी भुंडी टक्कर है अच्छा कुछ भी हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है देख मुसलमान अच्छा, के गांव का मुसलमान देख मुसलमान तो जाके इसके ही करा गई जी बाकी जाट भी गोल मोल है अच्छा वजह क्या आया आरएलडी भी तो जुड़ गई अब तो बीजेपी सब तो अब तो बिल्कुल सीधा रास्ता दिखना चाहिए अच्छा सीट निकलने से आया प्रदीप की डबल हवा होगी डबल इंजन होगी तो ट्रिपल हो गया डबल तो पहले था लोग बाग दे नहीं रहे अपना कुछ
कुछ नाराजगी है, क्या वजह है? किसान कुछ ज्यादा नाराज नजर आ रहा है, मुझे वजह क्या है इसके पीछे? किसानों की तो पार्टी रही है शुरुआत में 2014 में। योगी ने मोदी ने इतना बढ़िया काम कर रखा, इतना किसी सरकार में करे नहीं कभी। लेकिन मन में आपके डामाडोल है शिफ्ट, फिर भी यहाँ टक्कर है। कोई भी चीज है मंत्री तो बना दिया, कोई अजंके के यहाँ से आ गए भाई, ये जो सा मंत्री जागा देखा भाई कहीं मतलब देखे हो। प्रदीप चौधरी जी किसी नाराजगी इसी बात पे, सभी गांव वाले यही कह रहे हैं, जहाँ भी जाते गांव में आए नहीं कहीं पे भी आए। विधानसभा तो लंबी है ही, जब हम वोट लेते हैं लंबी विधानसभा से तो हमें आना भी चाहिए। रहने वाले से डाले वो आपके पास है, उन्हें भी आना चाहिए ना। और फिर जी भी तो दे डाले नहीं, मनोबल 100 भरा हुआ था, इकड़ा डेढ़ा हुआ और की है कह रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जितने लोग बैठे 5-6 लोग, इन लोगों में भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के हैं, दो लोग इधर बैठे अंकल ये भी, और कुछ के दिल में भी ऐसा है कि क्या करें, जैसे ही अंकल है हमारे जी ज्यादातर बीजेपी गई है। अच्छा एलम के अंदर खुलकर आ नहीं रहे। अच्छा अंदाजा क्या कह रहा, कितने परसेंट होगा कहना का यहाँ से गिरा का वोट आपके अंदाजे में? अंदाजा आइडिया सिर्फ मामला वही है, कोई डबल है, कोई भेद नहीं दे रहा अपना 20% कितनी देख लिए। भाजपा भाजपा कह रहे बहुत बुरे किसान तो बहुत कट रहे थे हमारे कहाँ से है। एक बात है बता, आपको सबको दे दिया ये राशन फ्री बांट रहा, किसान इड्डे ठेका बांट देख रहा, और कोई मजदूर मिल जा मिल है तो इसलिए किसान दुखी है। दुखी जितना तुझे बताया नहीं कि दवा का भाव क्या चल रहा, 1,00,000 रुपए की दवा ली, 40 में गई खबर गिर दी, उसका वजन कुछ भी नहीं पाया, तो क्या करें? नंबर दो का काम चल रहा भैया। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नौकर शाही क्यों हो रही सरकार में, ताला शाही कह लो, यहाँ किसान की कोई सुनने वाला नहीं। रमाड़ा चीनी मिल में ऐसा हो रहा, घटतोली चले, अच्छा। किसान रोड़ा करे गैल, उसे कंप्यूटर को फेर हुई ले जा, अगर तू उसे कंटे पर ट्रोली पे बुग्गी तोलना चाह जिस पे वे चिन्नी बेचे उस पे ले जाना चाह तो उसके खिलाफ FIR हो। तो किसान इतना, किसान को इतना प्रताड़ित किया जा रहा, फिर भी जैन चौधरी साहब वहां चले गए उनके साथ? जैन चौधरी साहब किसी मजबूरी में गए होंगे, हम तो आंख मीच के उनके साथ हैं, इधर कॉन्टेक्ट है, विले नहीं है हमारा उनका। अच्छा पता नहीं कब तक चले कब ना चले, ये तो चौधरी साहब मिल जाएगा इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं। अच्छा। किसान हर वोटर अपने आप स्वतंत्र है, जहां मर्जी आओगी वहां वोट गिरेगा, कार ये वोट गिरे नहीं, हर आदमी हर पहलू को देख कर गिरे हाथ पकड़ जाओ। अच्छा किसानों के पक्ष में है सरकार या नहीं? हम नहीं मानते किसानों को, आप बताओ किसानों के पक्ष में नहीं है, आपको क्या लगता है किसानों के पक्ष में नहीं है? अच्छा सरकार हम तो ज्यादा किसानों का ही नहीं है, हम नहीं तो बता नहीं। जी। या तो नवी के पक्ष में भी नहीं है, हमारे क्षेत्र का किसान का लड़का ज्यादा ज्यादा आर्मी में पुलिस में जा था जी, पुलिस में भर्ती लिकड़ी कैंसिल कर दी, आर्मी 4 साल की कर दी, जिसमें जिसके लिए वो पूरा जीवन लगान को देश के लिए था, जवान की वजह से कर दी, वो तो जवान बच्चे जाने चाहिए, जवान बच्चे जाए बुढ़े 20 साल की कर लेते, 20 साल 10 साल की, इन्हें 10 साल पहले धकेल देते, कौन से वहां बेकार पीट ले फिरे पुलिस वालों को भाग्या बन जाता, तो उन्हें 10 साल नवयुवकों को देते, जोर से वहां बेकार नौकरी कर रहे उन्हें धकेल दो बाहर। सही बात है, नवयुवक 4 साल में क्या करा, 1 साल ट्रेनिंग में लिकट के 3 साल के लिए उसे फिर रखो या ना रखो, हथियार चलाने और सीख गया आतंकवादी और बढ़ा रहा और परेशानी, क्या काम करेगा 4 साल में? कुछ भी नहीं करा, 4 साल ठाली हुआ होगा यहाँ के, उस पर खेती नहीं होगी और तो और उसके व्याकरण को भी तैयार नहीं, आज कोई 4 साल बढ़ेगा बताओ, तो नुकसान हुआ बहुत तगड़ा। अरे किसान के बच्चा ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ किसानों के बच्चे भाग दौड़ करने वाले थे सारे भाई, बोले तो 4 साल मिल रही, हमारे पुराने फौजी हैं इन्हें पूरी नौकरी मिली, अब भी पेंशन मिल रही, उससे बाद में फिर और जगह करिए वो अभी मिल रही, उनका क्या जो नए वाले आ रहे उनका सेटलमेंट हो जाएंगे दोबारा, बहुत टाइम है रिसर्च 4 साल करके उसके लिए बहुत जगह मिलेगी, अलग कहीं से कुछ प्राइवेट जॉब मिलेगी, सरकार में भी है, रेलवे में 5% है,
सीआरपी आईटीबीपी से आई इसमें आसाम राइफल्स पेंशन नहीं है लेकिन तो जो भी तो बात है ना लेकिन वो अगर भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए किसी के द्वारा किसी दूसरे लग जाता था ऐसे मामला नहीं नहीं उसको मिलता है प्रॉफिट तो मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा पैसे दूसरा आदमी तो लग सकता ना। हां भैया हमारा मिल ठेके पर चल रहा अगर यह सरकार चाह इसमें कम से कम भी 800 1000 आदमी काम करे और पहले भी करे थे 1000 जातक रोजगार या क्षेत्र वालों को मिल जाएगा जो उन्हें नौकरी देते हैं। बिल्कुल सही बात है वो क्यों इन्हें 5-4 हजार रूपए बड़े मिले उन्हें 30 देने पड़े 30 देने पड़ेंगे जो अच्छे लड़के होंगे। अरे तो गन्ना मंत्री आया था उसके सामने भी रखी थी ये भी रोजगार दो जागतू गन्ना फैक्ट्री में हमारे रोजगार तो ये सरकार को फिर भी सरकार बनाने की क्यों सोच रहे लोग नुकसान है। अरे हमारे सोचे तो क्या हो रही है हम तो जिस दिन वोट बटन दबेगा उस दिन सोचेंगे के सोचना हमें। अच्छा दिल में है लेकिन अफसोस जो है वो आप बयान कर रहे हैं अपना ये है मतलब सरकार तक भाई हम इसकी नीति के खिलाफ है जो बीजेपी की जो नीति है जो नीति अब चल रही है हर दमन की नीति है भाई रोजगार इसने खोज लिया सब कुछ खोसा लगे सड़क है सड़क राम मंदिर भी तो बनवाया है क्या राम मंदिर में यहाँ गांव के मंदिर में कौन जा बताओ कितने आ बैठे कोई सा जाता हो दोनों टाइम सही बात है अपने गांव के अगर अपने इलाके के तो मंदिर खाली पड़े सही बात है। ये मोमडन भाई है कौन सा मस्जिद में रोजगार नहीं जा रहा कोई नहीं जा रहा बिल्कुल रोजगार होगा तो सब कुछ है नहीं कुछ भी नहीं कुछ नहीं है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया देखने वालों को धन्यवाद।